हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सास बहू सिंधी तड़का। जय झूलेलाल। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर मेकिंग सूजी और आलू से बना बढ़िया चटपटा स्नैक्स। बहुत ही झटपट बन जाता है, बहुत ही डिलीशियस बनता है। सो पूरा वीडियो देखो और हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ लेट अस नो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। नोटिफिकेशन बेल आइकन ना दबाना भूलें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे हमारी वीडियो अपडेट होगी। ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आर वीडियो एंड प्लीज़ खूब सारा प्यार दीजिए। एंड मैं आपको सबसे पहले अब बताती हूँ हमने क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स ले लिए हैं, और ज़रूर इस वीडियो को अपने घर पे ज़रूर बनाएं रेसिपी को, और मुझे टैग करें इंस्टाग्राम पे, सास बहू सिंधी तड़का पेज का नेम है, और मैं आपको इन्ग्रीडियंट्स बताती हूँ हमने क्या क्या लिए हैं। सो फ्रेंड, सूजी के नाश्ते के लिए, सूजी और आलू से बने नाश्ते के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए बॉयल्ड आलू। आलू का नाश्ता है सूजी से बना हुआ, तो आलू तो चाहिए चाहिए। ये हैं बॉयल्ड आलू, ये हमने ले लिए हैं 3 से 4। आप कम क्वांटिटी में बना रहे हो कम बनाएं, छोटे छोटे आलू हैं ये 3 से 4 फ्रेंड्स। एंड इसको हाथों से ही हमने मैश कर लिया है। उसके बाद हमें चाहिए दही, फुल एक कटोरी नहीं चाहिए, हाफ कटोरी चाहिए, उससे थोड़ा ज़्यादा चाहिए हमें सूजी, बहुत पतली सूजी ले ली हमने और उसे एक कटोरी में रख दिया है। उसके बाद हमें चाहिए कुछ बेसिक से चॉप्ड वेजीज। सबसे पहले हमें चाहिए चिली फ्लेक्स, ये है मस्टर्ड सीड्स, राई, हरी मिर्ची, प्याज, एक प्याज लिया है, 2-3 हरी मिर्ची ली हैं, एक कैप्सिकम लिया है यानी एक शिमला मिर्च, एक टमाटर ले लिया है, थोड़ा सा हमने चॉप्ड हरा धनिया ले लिया है, ये हमने ले लिया है देसी घी, मेल्ट कर लिया है। ये है टोमेटो केचप जो हमने ले लिए हैं 2, थोड़ी सी हमने ले ली है इमली। इन दोनों का हमने एक चटपटा सा मिक्सचर बना लिया है। ये हमारी बेकिंग सोडा, खाने वाली सोडा जो होती है, ये हमने ले लिया 1 कप पानी। सो ये सारे इन्ग्रीडियंट्स हैं। सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे सूजी का बैटर। उसके लिए हमने ले लिया है सूजी, दही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसमें डाल लिया हमने, थोड़ी सी हम इसमें ऐड ऑन करेंगे चिली फ्लेक्स, और इसमें डालेंगे हम कैप्सिकम। कैप्सिकम ऐड ऑन करेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स, हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे हरी मिर्च, थोड़ा डालेंगे धनिया, और डालेंगे इसमें नमक। अब डालेंगे स्वाद अनुसार हम नमक, थोड़ी डालेंगे इसे बेकिंग सोडा, थोड़ी सी ऐड ऑन करेंगे हम लास्ट बेकिंग सोडा। इनको मिक्स कर लो, उसके बाद हम बेकिंग सोडा डालेंगे, पानी ऐड ऑन करेंगे। अब इसका एक अच्छा सा हम बैटर रेडी कर लेंगे, जैसे इडली बनाते हैं वैसे ही बैटर, सेम वैसे ही बैटर रेडी करना है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया है कुक, बैटर रेडी हो चुका है। 10 मिनट्स इसे अब हम कवर करके रख देंगे। सूजी का बैटर जब तक रेस्ट कर रहा है तब तक हम बना लेंगे अपना आलू का मसाला। सो फ्रेंड्स, आलू का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें ऐड ऑन करेंगे थोड़ा सा ऑयल, घी, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद हम डाल देंगे इसमें मस्टर्ड चीज, राई को आप चटकने देंगे तभी खुशबू आएगी। राई चटक गई है, हमने ऐड ऑन कर दिया इसके अंदर प्याज। अब डालेंगे हरी मिर्च, अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे फ्रेंड्स। डालेंगे थोड़ी सी हम इसके अंदर हल्दी चुटकी पर, जस्ट फॉर कलर। उसके बाद डालेंगे थोड़ी चिली फ्लेक्स, थोड़े से ऐड ऑन करेंगे अब चिली फ्लेक्स, थोड़ा डालेंगे इसमें नमक। नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, कम ज्यादा कर सकते हो, सूजी के बैटर में भी नमक है, सो प्लीज बी केयरफुल। थोड़ा सा लाल मिर्च, कम तीखा पसंद है आप अवॉइड कर सकते हैं, कम ज्यादा बिल्कुल कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, मिक्स वेल। नाउ फाइनली वी आर एडिंग आलू, बॉइल्ड आलू जो हमने मैश करके रख दिए फ्रेंड्स अच्छी तरीके से। अब आप इसे मैश करें मसाले में। सो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया है। हमें थोड़ा सा सॉल्ट कम लग रहा था, हमने इसमें ऐड ऑन किया है। आप भी चेक करके ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको कम लग रहा है तो। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमने मसाला, अब इसमें डालेंगे हम टमाटर, टमाटर एंड में ऐड ऑन करने हैं फ्रेंड्स, टमाटर और हरा धनिया एक साथ ऐड ऑन कर दें, और अच्छी तरीके से इसे आप बन गया मसाला, आलू का मसाला बन चुका है, परफेक्ट रेडी हो गया है फ्रेंड। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मसाला बनके चटपटा एकदम रेडी हो चुका है, और अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करने रखेंगे हमारी सूजी को जब तक रेस्ट कर रही है, तब तक हम। सो फ्रेंड्स, सूजी ने सारा पानी अब्सॉर्ब कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे एडजस्ट करने के लिए इसको परफेक्टली। अब फ्रेंड्स, ये एक ऐसा ऐसा बैटर सा बर्तन ले लें आप, जिसके अंदर हम अपना बैटर स्टीम करेंगे।
सबके पास स्टीमर होगा इडली जिसमें बनती है उसके साथ ही ये साँचा आता है। बैटर की कंसिस्टेंसी ठीक करेंगे, पानी ऐड ऑन करेंगे, बेकिंग सोडा ऐड ऑन करेंगे, चुटकी भर डालते हैं फ्रेंड, ज़्यादा नहीं डालते हैं ताकि थोड़ा सा फ्लफी बने। मैं आपको दिखाऊंगी हम कितना इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। सो इतनी हमने बेकिंग सोडा डाली है फ्रेंड्स, एक चम्मच से भी बहुत कम उसको हमने पानी डाल देना है और अच्छी तरीके से आपको हमने इसे मिक्स करना है। सो अब जो बैटर में हमने जो बर्तन में हमने वो लगाया था ऑयल ग्रीस किया था उसमें पूरा बैटर हम उतार देंगे और इसे अच्छी तरीके से फैला देंगे। जब तक आप देख सकते हैं स्टीमर में पानी डाल दिया था, कितना अच्छी तरीके से पानी बॉईल हो रहा है। मैंने लो फ्लेम कर दिया, अब दिख रहा होगा आपको, हाई फ्लेम कर दी है। सो आपको इसे अच्छे से बॉईल होने देना है पानी को। अब यहाँ जब तक हमने अपना बैटर पूरा फैला दिया है, इस तरीके से आप फ्लो कर देंगे ना तो ये बढ़िया तरीके से फैल जाएगा। फ्रेंड्स स्टीम हो चुका है, 10 मिनट्स ऑल अबाउट हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स ये स्टीम हो चुका है, बिल्कुल साफ निकल रहा है। यस 10 मिनट्स अराउंड इसको हो चुके हैं फ्रेंड्स। सो अब हम इसको चेक निकालेंगे बाहर और ठंडा होने देंगे थोड़ा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल परफेक्टली बेस निकल गया है सूजी का। अब इसको कितना कलरफुल लग रहा है। अब आप इसे शेप में कट करेंगे फ्रेंड्स। सो आप देख सकते हैं ऑयल थोड़ा सा, जो आपकी नाइफ है उस पर ऑयल थोड़ा सा ग्रीस कर लें, बिल्कुल नहीं चिपकेगा और इजीली इसको आप कट कर लें। जहाँ से लग रहा है थोड़ा सा कट टूटने का तो उस पर आप हाथ रख के बहुत आराम से ये हो जाता है फ्रेंड्स। ये ऐसे ही अब हम इस शेप का भी कट कर लेंगे। मैं आपको फुल वीडियो दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल पॉज नहीं कर रही हूँ। ये देखें आप हमारा ये पीसेस निकल गए हैं, देख सकते हैं आप कितने मस्त फ्लफी बने हैं सारे, कितने फ्लफी बने हैं ये। हमने 10 मिनट रेस्ट करने रख दिया था बैटर को, प्लस इसके अंदर बेकिंग सोडा डाली है, इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफी बने हैं और सॉफ्ट भी बने हैं। जो हमने फ्रेंड्स खट्टी मीठी चटनी बनाई थी, थोड़ी सी इमली डालकर और उसका पानी ले लिया था और थोड़ी सी केचप, उसको अब हम इस पर लगा देंगे। अब हम जो आलू का फ्रेंड्स जो हमने बैटर रेडी किया था वो हाथ में ले लेंगे टिक्की थोड़ी सी और उसके ऊपर अब हम सीधा सीधा रख देंगे और उसको पैक कर देंगे कि एक हमारा नाश्ता बनके रेडी है। इसको अब हमें सेकना भी है तो अभी इसको हम साइड कर देंगे। सेम ऐसे ही दूसरी आलू की टिक्की लेंगे छोटी सी और उसको अब हम इसके ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर फिर हम इसे पैक कर देंगे। That's it. ये दूसरी टिक्की रेडी हो गई है। इसको सेकेंगे। अब इसको हमें थोड़ा सा सेकना है फ्रेंड्स। सो आप देख सकते हैं तवा गरम करने हमने ऑलरेडी रख दिया था, घी स्प्रेड करेंगे, घी ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप उसको स्प्रेड करें गरम तवे पे और उसके बाद इसे सेकें। अब थोड़े से हम इसके अंदर डालेंगे तिल, आप देख सकते हैं कितना ही यम्मी लग रहा है, टेम्पटिंग लग रहा है। उसके बाद इसको हम सेकेंगे, बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स रिजल्ट आता है इसके अंदर इनको सेकने के लिए। बढ़िया, यस, दोनों पे तेज आग पे उलट पुलट करके इसे हम सेकेंगे फ्रेंड्स। तो अब टर्न करके भी इसे दोबारा सेकेंगे फ्रेंड्स, दोनों तरफ से इसे सेकना है परफेक्ट तरीके से। कलर आप देख सकते हैं कितना ही बढ़िया आ रहा है सिका हुआ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इतना गोल्डन हमें करना है कलर, दोनों तरफ से ऐसे ही सेकें आप, कितना ही यम्मी फ्लफी लग रहा है हमारा सूजी आलू से बना स्नैक्स। देख सकते हैं आप कितना ही बढ़िया कलर आया है, इतना हमें इसको डार्क करके सेकना है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा ब्रेकफास्ट बनकर रेडी है, एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट है, सूजी और आलू से बना, कोई इसमें मैदा चीज़ कुछ भी नहीं है। आप मॉर्निंग में इसको जल्दी ही प्रेफर कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। इसका शेप आप देख सकते हैं कितना ही डिलीशियस और टेम्पटिंग लग रहा है। इसको आप सैंडविच भी बोल सकते हैं, बर्गर भी बोल सकते हैं। आलू और सूजी से बना बहुत ही क्रिस्पी और डिलीशियस है फ्रेंड्स, मस्ट ट्राई एट योर होम। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू सिंधी तड़का और ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम
और फ्रेंड्स अगर आप हमारी रेसिपी बनाते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे ज़रूर टैग करें। पेज का नेम है सास बहू सिंधी तड़का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय झूलेलाल।